नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं, मतलब आप देख चुके हैं हमारे शो में। जैसे कि हमारा जो पहला वीडियो था सलाखों के पीछे सुसमाचार, सलाखों के पीछे ब्रदर एम जोनाथन के द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार, एक ऐसा वीडियो है। तो आप उस वीडियो को जैसे कि आपने देखा, तो वो क्या है, एक खून के चक्कर में, मर्डर के चक्कर में, मतलब अंदर हो गए थे, कोई उन्हें फंसा दिया था इस प्रकार से झूठे केस में। लेकिन परमेश्वर के चमत्कार ने उसे उस आजीवन कारावास से, जो उसको सजा मिला था, उन्हें क्या सजा मिला था, आजीवन कारावास की सजा। तो वो सजा से परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया, रिहा कराया, क्योंकि परमेश्वर का दास निर्दोष था, निष्कलंक था। और परमेश्वर का ये चमत्कार हुआ है। और ब्रदर एम जोनाथन जो पहले 12 दिन के पैरोल पर आए हुए थे और हमारे साथ सलाखों के पीछे यीशु का वचन बोल करके एक वीडियो हमने तैयार किया था और उन्होंने बताया था उसमें, तो आज वो रिहा हैं, रिहा हो गए हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो सभी आपके प्रार्थना के कारण हुआ है। हम सभी विश्वासी भाइयों के विश्वास और प्रार्थना के कारण वो ब्रदर आज रिहा हुए हैं और अपने परिवार के साथ सकुशल पूर्वक खुश हैं। और जितने भी उन्होंने जो गीत लिखा है, जितने भी जेल में रह करके उन्होंने जो दर्द भरे गीत लिखे हैं, परमेश्वर के प्रति उस विश्वास को जगाया है, उस विश्वास के जो गीत हैं, तो उस गीत को जो लिखा है जेल में रहकर, तो उस गीत को आज वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पहला गीत उनका रिकॉर्ड हो चुका है और वो गीत का झलक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उस गीत को आप देखेंगे तो आपके जीवन में भी विश्वास बढ़ेगा परमेश्वर के प्रति, और ये बहुत बड़ा उनके जीवन में गवाही है और ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और आज परमेश्वर के उस विश्वास को इनके जीवन को देख करके बहुत सारे लोगों ने कबूल किया है, ग्रहण किया है परमेश्वर के उस विश्वास को। और फिर मैं आपको उसमें भाई जोनाथन के द्वारा छोटा सा वो अपना एक संदेश दिए हैं और वो आप लोगों को धन्यवादी कुछ वीडियो सेंड किए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस प्रकार से उनके गीतों को आप सुन सकते हैं। उनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उनके गीतों को आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस गीतों को देखें और परमेश्वर से आशीष पाएं। और उनका चैनल टुडे ट्रूथ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जा करके उनके गीतों को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और सुन सकते हैं और परमेश्वर की आशीष पा सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा भाई जोनाथन के द्वारा जो वीडियो सेंड किया गया है, हम उन्हें देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम एम जोनाथन जॉन है और मैं एक बार फिर आप सबका इस नरेश महानंद के लाइव शो प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोबारा इसलिए क्योंकि इसके पहले मैं आप लोगों से सलाखों के पीछे यीशु के वचन प्रोग्राम के द्वारा रूबरू हो चुका हूं, जो मैंने कुछ दिनों पूर्व जेल में रहते हुए जब मुझे 12 दिन की पेरोल मिली तो मैं अपने घर परिवार में आया हुआ था। और उस दरमियान मैंने उस शो में होकर आप लोगों के सम्मुख अपनी छोटी सी गवाही रखी थी। और आपको याद होगा कि उस गवाही में मैंने आपसे कहा था कि मैं जेल पे रहते हुए बहुत से गीत परमेश्वर की महिमा के लिए लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ। प्रियजनों, आप लोगों ने उस गवाही को सुना, सराहा और बड़े मन की सच्चाई से आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की और उस प्रार्थना का प्रतिफल मेरे जीवन में ये हो पाया कि आज मैं उस आजीवन की सजा से छूट कर वापस अपने घर परिवार, अपने लोगों में आ पाया हूँ। जी हाँ प्रियजनों, मैं उस केस से बरी हो गया हूँ। हाई कोर्ट ने मुझे निर्दोष साबित किया है और आज इस बात को लेकर धन्यवाद देने के लिए मैं इस प्रोग्राम में दोबारा आपके सम्मुख में आया हूँ। और प्रियजनों, इस समय एक निवेदन मेरा आप लोगों से ये है कि मैंने जो गीत जेल में रहते हुए तैयार किया है
उन गीतों की रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है। और उन गीतों में से पहला गीत ए दिल तुझे कसम है मैंने आप सब लोगों के सामने में ला रखा है, कृपया उसे सुने और अपने लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन गीतों के द्वारा परमेश्वर को मान महिमा और गौरव मिल सके। सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह की। तो दोस्तों, भाई जोनाथन के द्वारा, ब्रदर जोनाथन के द्वारा जो आपने सुना वो सही में आपके आभारी हैं और उस परमेश्वर के भी आभारी हैं जो दुख में परमेश्वर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। और ये विश्वास के साथ आज वो परमेश्वर की महिमा के गीत को रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं, और जितने भी गीत आएंगे आपको मैं बताते जाऊंगा, और आप उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप परमेश्वर से वो आशीष को पा सकें। आइए हम उनके गीतों को जरा सुनते हैं। ऐ दिल तुझे कसम है, हिम्मत न हारना, जैसा भी वक्त आए रब को पुकारना। ऐ दिल तुझे कसम है, हिम्मत न हारना, टूट जाना कहीं, दुनिया की ठोकरों से ना टूट जाना कहीं, जीवन में तेरे है बाकी यीशु का प्यार भी, जीवन में तेरे है बाकी यीशु का प्यार भी। ऐ दिल तुझे कसम है, हिम्मत न हारना, जैसा भी वक्त आए रब को पुकारना। ऐ दिल तुझे कसम है।
जो तेरे बहे हैं, कैसे वो जाएगा भूल। आंसू जो तेरे बहे हैं, कैसे वो जाएगा भूल। तेरी दुआओं का बदला मिलना है तुझको जरूर, तेरी दुआओं का बदला मिलना है तुझको जरूर। ऐ दिल तुझे कसम है, हिम्मत ना हारना, जैसा भी वक्त आए रब को दोस्तों। वो गीत आपको कैसे लगी? ये गीत बहुत ही मधुर और बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है कि हमें जीवन में कभी भी नहीं हारना है, हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता है, है ना। तो हमें विश्वास में और आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से हम नए नए बातों को, नए नए वीडियो को आपके पास लाते रहेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे ताकि आपके जीवन में वो जो अंधेरा है वो दूर हो और रोशनी की किरण परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, आप हमारे लाइव शो के साथ जुड़ करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जा करके आप बाइबल कोर्स कर सकते हैं, मोटिवेशन क्लास कर सकते हैं। उसके लिए आपको www.liveshow.co.in में जा करके लॉगिन करना पड़ेगा और रजिस्टर करना पड़ेगा। और इस प्रकार से आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमें फ़ोन ना करें, आप व्हाट्सएप पे शेयर करें आपकी परेशानी, आप हमसे चैट करें, हम आपके लिए दुआ और प्रार्थना करेंगे, सारे सवालों के जवाब हम व्हाट्सएप पर देंगे। और इस प्रकार से आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं हमारे साथ मिल करके। दोस्तों, हमारा हेल्प ग्रुप भी है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निर्धारित किया गया है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निर्धारित यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, तो क्या तुमने मेरी सुधि ली? तो ये सुधि कैसे लेंगे, मतलब प्रभु यीशु मसीह हमें कैसे सुधि लेने के लिए कहा गया? तो हम कहेंगे कि प्रभु, हमने तुझे कब नंगा या प्यासा या भूखा देखा? न्याय के दिन की बात कर रहा हूं मैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि इन छोटे में से छोटे लोगों के साथ जो तुम करते हो वो मेरे साथ करते हो, और जो तुम इनके साथ नहीं करते वो मेरे साथ नहीं करते हो। अगर हम भिखारी लोगों को भगा देते हैं, नहीं देते हैं, कि वो छोटे में से छोटे लोग कौन है? वो कंगाल है, वो भिखारी है, वो अनाथ है, विधवा है, लूले लंगड़े, गरीब, असहाय। तो इनकी सेवा करना, इनकी जरूरत की वस्तुएं मोहल्लत करवाना, इनका मदद करना और परमेश्वर का सुसमाचार इन तक पहुंचाना ही प्रभु यीशु मसीह की सेवा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके स्वरूप में है। आज हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, फुटपाथ में है, स्टेशनों में है, मतलब हर जगह वो मिलेंगे तुमको। और इस प्रकार से हम जब उनकी सेवा करते हैं या उन्हें कुछ दान या कुछ भेंट स्वरूप देते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, कंगाल को दोगे तो यहोवा को उधार दोगे। यानी कि परमेश्वर को हम क्या कर रहे हैं? कर्ज दे रहे हैं, और परमेश्वर हमें लौटाएगा 100 गुना 60 गुना 70 गुना, इस प्रकार से, है ना। और इसके बाद भी और लिखा है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़े, ना तो काई, ना तो चोर सेंद करता है। तो स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। जब हम उन कंगाल भिखारियों को अपना मित्र बनाते हैं और उन्हें जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा उनकी सेवा में, तो वो धन स्वर्ग में इकट्ठा होता है, वो कर्म स्वर्ग में इकट्ठा होता है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे वचन हैं जो हमें बताते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवा कैसे करना है। तो पहली बात तो हम सेवा कर रहे हैं, इससे हमारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाएगा। और दूसरी बात कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ मिल करके परमेश्वर की महिमा और स्तुति आराधना कर सकते हैं। और आप हमारे SBI के अकाउंट नंबर पर भी डोनेशन सेंड कर सकते हैं और हमारे PayPal अकाउंट नंबर पर भी आप डोनेशन सेंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको खुद स्वयं जा करके उन लोगों की मदद करना है, लूले लंगड़े, भिखारी, अनाथ, गरीब, असहाय, तो आप डोनेशन, आप उस डोनेशन को खुद वहाँ पे
इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका खुद का डोनेशन, आपका खुद का आय जो महीने का कुछ निकलता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उनकी मदद, समय नहीं है, घर में काम पड़ा हुआ है, बहुत जगह आप जाते हैं, बिजी रहते हैं, तो आप परमेश्वर के कार्यों के लिए आप हमें डोनेशन सेंड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े भी रहेंगे और परमेश्वर की सेवा भी करते रहेंगे और आप हमारे वीडियो को देखते भी रहेंगे। इसी प्रकार से परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ हम आते रहेंगे और आपके जीवन में परमेश्वर का रोशनी डालते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।